दोस्तों, जैसा मैंने आपको अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे अर्थ की तरफ सन से एमिट हुआ एक सोलर स्टॉर्म बढ़ रहा है और ये सोलर स्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंटेंस सोलर स्टॉर्म है जिसे X1 की कैटेगरी में रखा गया था, तो ये अब तक यहाँ पर पहुँचा क्यों नहीं? और अगर ये पहुँच गया तो इसके प्रभाव कहाँ कहाँ पर दिखे और क्या उस समय हमारा ध्यान इस पर नहीं था? आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ सोलर स्टॉर्म के करंट स्टेटस के बारे में। 12 तारीख को ये खबर काफी ज्यादा फैल रही थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर सोलर स्टॉर्म हमारे धरती से टकरा जाएगा और इससे कई सारी डिस्टर्बेंसेस ऐसी पैदा होंगी जो हमारे जीपीएस सिस्टम और हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को अफेक्ट करेगा। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये सोलर स्टॉर्म 12 तारीख को ही टकरा गया, लेकिन अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर चेक करें तो हमें ऐसी कोई भी अपडेट नहीं मिलती जहां पर ये लिखा हो कि सोलर स्टॉर्म धरती से टकरा चुका है। और अगर ये नहीं टकराया तो ये अब तक क्यों नहीं टकराया, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। अब दोस्तों, साइंटिस्ट भी इस पे कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहे, इस वजह से हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। और अगर हम अंदाज़ा लगाने जाएं तो हम ये कह सकते हैं पॉसिबल है कि ये थोड़ा स्लो डाउन हो गया हो, यानी कि सोलर स्टॉर्म की स्पीड कम हो गई हो। लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता नहीं, क्योंकि X1 कैटेगरी का सोलर स्टॉर्म जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है वो इतनी इजीली स्लो डाउन नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, मैं आपके जानकारी के लिए आपको बता दूं कि X1 लेवल का स्टॉर्म उस स्टॉर्म को कहते हैं जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है और वो किसी डेंस फ्लेयर से बना होता है। तो वहीं पर इसके पहले के स्टेजेस जो कि A, B, C और M होते हैं, उसमें A वाला सबसे वीकेस्ट स्टॉर्म होता है और वो किसी लेस डेंस वाले फ्लेयर से बनता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आज बहुत सारे ऐसे वीडियोस और वेबसाइट्स देखे जहां पर ये बता रहे थे कि आज ये 24 घंटे में सोलर स्टॉर्म टकरा जाएगा। आपका इसके ऊपर क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी मिले तो मुझे आप ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा, और अगर मुझे कुछ जानकारी मिलती है तो मैं आपको एक वीडियो द्वारा इन्फॉर्म कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।